आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। आपने अपने बचपन में बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी। अक्सर सुना होगा कि पीपल और बरगद के पेड़ के नीचे भूत होते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि रात को पीपल के पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? क्यों घर के बड़े लोग हमें रात को पीपल और बरगद के पेड़ के नीचे सोने से मना करते हैं? क्यों अक्सर लोग बोलते हैं कि पीपल और बरगद के पेड़ों के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वहां भूत होते हैं? क्या सच में इन पेड़ों के नीचे भूत होते हैं, या फिर इसके पीछे कुछ और है राज? ऐसा क्यों होता है, आज हम आपको बताएंगे। पीपल के पेड़ के नीचे सोने से क्या होता है, यह तो आप भी जानते ही होंगे कि दिन के समय पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपने लिए भोजन बनाते हैं। इसके लिए पौधे सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और पानी का इस्तेमाल करते ग्लूकोज और ऑक्सीजन O2 बनाते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं, वैसे ही पेड़ों में श्वसन क्रिया लगातार चलती रहती है। लेकिन बात करें सुबह यानी के सुबह के समय की, तो श्वास लेने से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है पत्तियों के अंदर ही जमा हो जाती है, जिसका इस्तेमाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किया जाता है, और साथ में पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। इस क्रिया में सारी कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाती है और ऑक्सीजन O2 ही बाहर निकलती है। ऐसे में दिन के समय पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती है और पेड़ के नीचे सोने से ऑक्सीजन मिलती है। रात में ऐसा नहीं होता, रात में पेड़ पौधे में श्वसन क्रिया चलती रहती है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। ऐसे में रात के समय ऑक्सीजन नहीं बनता, इस दौरान श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन खर्च होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, मतलब पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। ऐसे में अगर आप रात के समय पेड़ के नीचे सोएं तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलने की वजह से आपका दम घुटने लगेगा, यानी सांस तो उस वक्त भी आप ले पाएंगे, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा मात्रा होने की वजह से दम घुटने लगेगा। इसीलिए रात के समय पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, यही कारण है। और बात करें जो हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, तो इसके पीछे राज यही है कि रात के समय जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और जो दम घुटने जैसा महसूस होता है पीपल के पेड़ के नीचे सोने से, वो इसी कारण होता है। पीपल का पेड़ भारत के सबसे पवित्र पेड़ों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी छाया में खड़े लोगों के लिए या शांति, समृद्धि और खुशी लाता है। लोगों का ये भी मानना है कि यह अनिद्रा से कई बीमारियों को ठीक कर सकता है। लेकिन क्या हो अगर कोई व्यक्ति पीपल के पेड़ के नीचे सो जाए, या रात भर पीपल के पेड़ के नीचे ही सोया रहे? रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। पेड़ों में श्वसन यानी श्वास लेने के लिए कोई विशिष्ट अंग नहीं होता है। पेड़ों में श्वसन पत्तियों में मौजूद छिद्र होते हैं, उनके द्वारा ही किया जाता है। इन छिद्रों को स्टोमेटा कहा जाता है। इसके अलावा पेड़ के तने पर भी छिद्र होते हैं जिनसे श्वसन क्रिया होती है। पेड़ की जड़ें जमीन से खनिज लवण और सतह से श्वास लेती हैं, यानी पूरे पेड़ में जो श्वसन की क्रिया चलती रहती है। पीपल का पेड़ हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, या इसका अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि आयुर्वेद में भी पीपल के पेड़ बहुत मायने रखता है। आयुर्वेद में पीपल के पेड़ को एक खास औषधीय पेड़ के स्थान पर भी रखा गया है। इसकी मदद से सामान्य से गंभीर और अति गंभीर रोगों का निवारण किया जा सकता है। पीपल का पेड़ भारत में उत्पन्न हुआ और इसकी भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापक रूप से अपने कई स्वास्थ्य लाभों के लिए भी उपयोग किया जाता है।
या देश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है और यहाँ तक कि इसे बहुत कम रख रखाव के कारण यह आसानी से उगाया जा सकता है। इसका उपयोग प्राचीन काल से अपने आयुर्वेदिक उद्देश्यों के लिए किया जाता रहा है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए सौगंध। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।